तो दोस्तों यही है आज का वेदर। देखो ये हमारा बस्ती, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतना फोगी है। देख सकते हो तोरा मोरा दिखाई मिल रहा, बस ना बस्ती जो कि उससे ठंडा है अभी भी, गर्मी सीजन में भी इतना फोगी होता है। हमें अभी भी हम जैकेट पहन के घूम रहे। हेलो दोस्तों, फिर से हम नया वीडियो लेके आ गया। बहुत दिन से मतलब ट्राई कर रहा था हम वीडियो बनाएगा बोल के, तो इतना दिन से बारिश था हम लोग यहाँ में, एक महीना होने जा रहा है बारिश की के, तो इसलिए समय नहीं मिला है हमको वीडियो बनाने के लिए। आज भी थोड़ा मौसम क्लियर नहीं है, आज देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा आज रुक गए बारिश जो, इसलिए थोड़ा आज मौका है बोल के हम एक नया वीडियो लेके आया है। और आज का मेरा वीडियो जो होने वाला है, जो कि हम जंगल में जाके स्नेल ढूंढेगा, स्नेल जो कि हम कया में जो स्नेल पाया जाता है उसको ढूंढ के किस तरह से मतलब बना के खाते हैं हम लोग का यहाँ का लोग, तो उसको हम दिखाना चाहूँगा किस तरह से बनाते हैं और जंगल में क्या क्या चीज़ मिलेगा अभी, उसको भी हम थोड़ा दिखाने के लिए करेगा कोशिश क्या क्या मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो हम अपना वीडियो अभी शुरू करेगा। तो दोस्तों काफ़ी दूर आ चुका है हम, फिलहाल अभी तक भी नहीं पहुंचा, जो कि पहाड़ का वो एक चक वो टॉप का सामने में है, वो जामे अनु का ये बहुत सारा जगह है, पर आज मैं वो जगह से जा रहा है जो कि बहुत दूर है बस्ती से। थोड़ा बारिश अभी रुक रहा है ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ में एक गच्ची है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ फल होता है जो खाने के लायक का होता है, आपको दिखा रहेगा अभी हम नीचे, अगर फल होने से नीचे जरूर गिरेगा, जो कि चूहा लोग बहुत खाते हैं इस, तो देख सकते हैं दोस्तों यही है ऊपर। देख सकते हैं शायद है ऊपर में मतलब है, देख सकते हैं इस तरह दिखते हैं, लेकिन ये नीचे में जमीन में मिला है तो ये सोने वाला लोग है, ऊपर में होना चाहिए। वाह बहुत बोर है नीचे में, वो गुटी का घास ये है, हम थोड़ा उठ के देखते हैं।
तो दोस्तों इतना मिला है, इतना तोड़ा है, मतलब ऊपर में है लेकिन उतना काफ़ी है। इसको आराम से ये मेरे लिए हो जाएगा। इसको इस तरह से खुलते हैं, देख सकते हैं आप। इसको कहते हैं अंदर का को, काफ़ी मीठा होता है ये भी। तो इसको हम अभी बैग में भरा लेगा जो कि बाद में काम आएगा, बाद में खाएगा आराम से इसको हम। आप देख सकते हैं पूरा जूक भर चुका है मेरा जूता में, सॉक्स का अंदर इतना सारा देख सकते हैं, कौन भी निकल गया मेरा देख सकते हैं। काफ़ी जू गया हमें, हम दवाई डालना भूल गया वे देख सकते हैं। पहले यामू कहीं हमें जूक का कमी नहीं होता है, गलने के लिए इतना तकलीफ है ये लोग। एक पेड़ को देख लिया, देख सकते हैं इसमें भी भरती है पूरा। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गया जहाँ में हम ढूंढने हैं, स्नेल ढूंढने हैं, वो जगह है, पहुंच चुका है। अभी हम थोड़ा ढूंढने के लिए ट्राई करेगा क्या होता है। तो दोस्तों शुरू हो गया, हम शुरू कर रहे हैं ढूंढने के लिए, निकल चुका है जंगल में। तो फिलहाल अभी तक एक भी नहीं मिला है, फिलहाल बाद में मिल जाएगा, होगा मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ में एक टू है छोटा वाला नोकी चूरी हम लोग बोलते हैं, जो कि छोटा वाला को ये निकालने के लिए तो तकलीफ होता है पर लेकिन खाने के लिए ये ज़्यादा तेज होता है। तो आगे बढ़ते हैं, ढूंढते हैं और भी। तो दोस्तों यहाँ में एक टू मिला है हमको, पास ये है पीस जो कि बड़ा वाला, इसको ढूंढने हैं हम, काफ़ी बड़ा है देख सकते हैं आप। पर इससे ज़्यादा वो वाला, ये वाला छोटा वाला टेस्टी होता है, और बस वो निकालने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है ये। तो आगे ढूंढते हैं दोस्तों कितना मिलता है, बाद में देखाएगा हम। तो दोस्तों काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद थोड़ा मिला है कुछ खाने के लिए। अभी हम
आग जलाने के लिए एक जगह ढूंढेगा, अच्छा जगह। अभी फिलहाल थोड़ा रुक गए बारिश, फिर बाद में आ भी सकता है, इसलिए थोड़ा अच्छा जगह ढूंढेगा। बस इतना वाला ही मिल रहा है, छोटा वाला। तो दोस्तों अभी ये जगह में हम आग जलाएगा, या हमें बारिश आने से भी थोड़ा अच्छा है, एक जोन के लिए आराम से यहाँ में एडजस्ट हो सकेगा। तो ये जगह को अभी हम सफा करेगा। तो दोस्तों सफा हो गया, अभी फिलहाल लकड़ी ढूंढना पड़ेगा हमको। अभी तो मुश्किल है पर सूखा लकड़ी मिलने के लिए, लेकिन ढूंढना पड़ेगा अभी। यहाँ में अभी आग जला के हम खाना खाना पड़ेगा, ये जगह सही रहेगा। तो दोस्तों आग जला लिया, अभी जितना मिला है हम उसको अभी हम दिखाना चाहूँगा। तो ये है मेरा मिला वाला, ये बहुत मिला है। तो दोस्तों इतना मिला है आज अभी हमको, ये बड़ा वाला ज़्यादा नहीं मिला है, चेतु सिर्फ मिला है, और इसमें तो बहुत ज़्यादा है छोटा वाला। तो अभी इसको हम पका के खाएगा, इसको अभी हम धुला लेगा पहले, पानी नहीं है, पानी नहीं होने के कारण से ये एक बोतल लेके आए हम, जो कि 2 लीटर का, 2 लीटर जा रहा है। और ये प्याज, और ये भी हमारा लोकल टोमेटो है, देख सकते क्या क्या ये इस ये शेप में बनता है ये लुक। ये तो काफी होगा, पक चुका है ये। अभी इसको अभी नमा के निकालना पड़ता है इसको कवर से, और इसको फिर से हम फ्राई करके आने के लिए ट्राई करेगा कैसा होता है। वैसे तो हम लोग इसको बॉयल में ही खाते हैं, लेकिन आज फ्राई करके खा के देखिएगा। अभी नमा चुका है दोस्तों, अभी फिर इसमें जल्दी ठंडा होने के लिए ठंडा पानी डालेगा। इसमें निकालने के लिए ट्राई करेगा कि ये शायद नहीं पकाए गया, शायद पक गया इस तरह से। तो दोस्तों पूरा हो गया मेरा, निकल चुका है सबको, इतना ही निकलता है, देखो इतना ज़्यादा डाला था तो निकलने के बाद बस यही बचा है, मतलब ये इतना ही निकला है, देख सकते हैं। इसको फिर से हम सफा करेगा। अच्छा से सफा करना है ये लोग को,
ये लोग पट्टा ही कहते हैं, जो सोने वाला पट्टा। बिरसिया मियाँ में निकलेगा जो कि छपा हो चुका है। तब ये हो गया, अभी डालेगा उसको। नमक लाना भूल गया तो इसलिए टोमेटो ज़्यादा डाला है, क्योंकि बिना नमक का तो थोड़ा नहीं खा सकते हम, इसलिए टोमेटो ज़्यादा डाल दिया ताकि थोड़ा सा मदद मिले, नमक का जगह में थोड़ा सा काम करे। वाह, ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी बॉयल कर चुका था इसको। हो गया, शायद पक गया ये। वाह, हो गया, हो चुका है, पक चुका है। इसको अभी नमा लेगा, ये हो गया, पक गया। तो दोस्तों अभी हो गया मेरा, अभी हम शुरू करेगा। तो दोस्तों अभी शुरू करेगा हम, वाह तो ये खाना और ये मेरा सब्जी होगा आज का, ये नींबू। तो दोस्तों शुरू करते हैं अभी, वाह तो दोस्तों खाना खा लिया हम, अभी अंधेरा भी हो गया है तो निकलना पड़ेगा अभी हम। काफ़ी टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, बस एक चीज़ का कमी रह गया जो कि हम लाना भूल गया, बस वही था। लेकिन उसको भी एडजस्ट करके टोमेटो ज़्यादा डाल के और नींबू थोड़ा अच्छा हो गया, जो कि नमक का काम भी कर लिया नींबू और टोमेटो ने। बहुत ही टेस्ट था और ये जगह काफ़ी अच्छा जगह है बैठने के लिए, बारिश आने से भी आराम से बैठ सकेगा यहाँ में। तो दोस्तों अभी हम निकलने जा रहे हैं और उम्मीद है आपको आज का वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगने से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि और भी मैं इस तरह के वीडियो आपको दिखा सके, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती है आपको एक नया वीडियो में।